गौतम गंभीर का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था एज ए इंडियन हेड कोच, जहाँ पे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर बहुत सारे चीजों के बारे में बात की, जैसे हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी से हटाना, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाना, जडेजा को ड्रॉप करना, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। आपको बता होगा श्रीलंका के ओडीआई सीरीज में रविंद्र जडेजा का नाम नहीं है। अब उनसे ये पूछा जाता है ना कि रविंद्र जडेजा को आपने ड्रॉप क्यों किया, तो अजीत अगरकर इसके जवाब में कहते हैं कि भाई हमने रविंद्र जडेजा को ड्रॉप नहीं किया है, टेस्ट दिया, क्योंकि श्रीलंका सीरीज के बाद हमें बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेलने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं, इंडियन टीम की तरफ से रविंद्र एक अहम खिलाड़ी होने वाले, इसलिए उस सीरीज के लिए उन्हें अभी रेस्ट दिया गया है। बाकी जब भी इंपोर्टेंट मैचेस आएंगे रविंद्र जडेजा को स्क्वाड में लिया जाएगा। जब पूछा जाता है ना कि हार्दिक पांड्या को आपने वाइस कैप्टनसी से हटाकर शुभमन गिल को क्यों वाइस कैप्टन बनाया गया है, तो इसके जवाब में कहते हैं कि भाई शुभमन गिल एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और अब वो इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले हैं। अब हमें शुभमन गिल टेस्ट, ओडीआई और टी20 तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। बात रही हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी की, तो अजीत अगरकर ने कहा कि भाई हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन से हटाने का मेन रीजन है फिटनेस इशू।